फ्रेंड, आप लोगों ने पूछा था कि ये जो मैंने दूसरा स्मार्ट बोर्ड बनाया, लोगों ने पूछा था कि ये काम कैसे करता है और इसमें क्या क्या फंक्शन है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसमें ये काम कैसे करता है और इसमें क्या क्या फंक्शन है। आप देख सकते हैं, इसको हम पहले सप्लाई से जोड़ देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने HT कनेक्टर लगाया है जिसमें कनेक्ट कर लिया है और यहाँ से मेरे को सप्लाई इसमें देना है। ये रहा, मैंने इसमें सप्लाई दे दिया। अब मैं सप्लाई इसको ऑफ कर देता हूँ। अब देख सकते हैं इस बोर्ड में कोई सप्लाई नहीं आ रही है। इसमें देखिए फंक्शन क्या है। सबसे पहला फंक्शन LED बल्ब की पट्टी है, इस पट्टी को हम जला सकते हैं बिना लाइट के। आप देख सकते हैं उसमें लाइट को मैंने यहाँ पे स्विच से ऑफ कर दिया है। तो यहाँ पे आप इसको जला सकते हैं। रात में जैसे आज शाम हुआ, शाम को इसको ऐसे हम जला दिए, ठीक है, ये जलने लगा। और अगर ये सोचते हैं कि नहीं हमें इसको ऑफ करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऑटो कट सिस्टम है। जैसे मेरे उस बोर्ड में था, ये ऑटो कट सिस्टम पे है। ये देखिए आप, इसमें सप्लाई आते ही ये ऑफ हो जाएगा। ये ऑफ हो गया। आपको आपको बता दें कि हम इसमें पहले LED लगा लेते हैं। आप देख सकते हैं हम इसमें LED एक्टर लगा लेते हैं और यहाँ से हमने स्विच को ऑन कर दिया, ठीक है। अब देखिए अगर लाइट आती है तो मेरा ये जो है, ये देख सकते हैं आप, ये LED बल्ब जो है ये ऑफ हो गया और ये LED बल्ब ऑन हो गया, ठीक है। AC सप्लाई वाला LED बल्ब ऑन हो गया और DC सप्लाई वाला LED बल्ब ऑफ हो गया, और यहाँ से लाइट कटते ही ये ऑन हो जाता है और ये ऑफ हो जाता है, ठीक है। पहला व्यवस्था तो ये है। अब इसको हम ऑफ कर देते हैं। और दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पे हम ये जो है ये बोर्ड के लिए यूजिंग के लिए है। जैसे सब लाइट है तो आप इसको स्विच को ऑन करके इसको यूज कर सकते हैं। और आपको बता दें इसका एक रिमोट है, जो कि ये रिमोट है। इस रिमोट की सहायता से हम लाइट न होने पर भी अगर रिमोट से हमें ऑन करना है तो हम इसको रिमोट से देख सकते हैं, आप रिमोट से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने कहीं टच पे नहीं किया, यहाँ से ऐसे ऑन यहाँ ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर लाइट है, अगर जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप, इसमें अगर इसमें से लाइट आ जाती है और यहाँ से स्विच, ये दोनों ऑफ है, ठीक है। अगर हमें ये ऑन करना है या ये ऑन करना है, अगर ये ऑन करना है, ये DC पट्टी को ऑन करना है, DC LED बल्ब को ऑन करना है, तो R पे क्लिक करेंगे और ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। और फिर अगर ऑफ करना है तो ये जो G है, इस G पे ऐसे क्लिक कर देंगे, ठीक है, G पे क्लिक कर देंगे, ऑफ हो जाएगा। और मुझे रिमोट से ही अगर इसको भी ऑन करना है तो हम इसको ऑन कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं लगभग 10 मीटर दूरी तक ये रिमोट काम करता है। लगभग अपने घर में अगर इसको यूज करना चाहते हैं तो घर एक कमरे में ये काम कर लेगा। देखिए देखिए दूसरा व्यवस्था क्या है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ये DC आउटपुट लिखा है, ठीक है। यहाँ USB है। यहाँ पे हम अपना कोई भी, जैसे लाइट इसमें नहीं है, यहाँ से हमने ऑफ कर दिया। अब अगर लाइट इसमें नहीं है, अगर मुझे कोई फ़ोन चार्जिंग करना है तो हम इसमें एक USB को लगा कर, ये आप देख सकते हैं ये मेरा USB है, इस USB को हम इसमें लगा देते हैं। इस USB को लगा कर यहाँ से ये वाला दूसरा वाला स्विच, यहाँ देख सकते हैं USB स्विच लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ USB स्विच लिखा हुआ है। इसको हम यहाँ ऐसे ऑन कर देते हैं, ठीक है। और अगर मोबाइल मुझे चार्जिंग करके चेक करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे मेरा फ़ोन चार्जिंग हो रहा है, ठीक है। ये रहा अगला इसमें खासियत ये है कि ये स्वतः चार्जिंग करता है। इसके अंदर एक बैटरी लगी हुई है जिसे हमें चार्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे लाइट आ गई और मेरा ये जो है, ये जो स्विच है, इस स्विच को हमने, इसको ऐसे ऑफ है तो इसको ऑन कर दिया। ऑन कर दिया तो ये इंडिकेटर जो है, ये चार्जिंग इंडिकेटर है, जो कि बैटरी जब चार्ज होता रहेगा तो ये इसको प्रदर्शित करेगा कि बैटरी चार्ज हो रही है। और तो और ये जो चार्जिंग सिस्टम है, ये मेरा ऑटो कट टाइप का है। अगर मेरी बैटरी फुल चार्जिंग हो जाती है तो अपने आप ऑटो कट हो जाएगा। उसे ये स्विच को हमें बार बार ऑन या ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड, इसमें अगला व्यवस्था ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्जिंग पिन लिखा हुआ है। ये जो है, ये दोनों पतला पिन है, ये चार्जिंग पिन है। ये जैसे मेरा ये ऑटो चार्जिंग सिस्टम है, ये जो है, ये अगर बाय द वे कभी ख़राब हो जाता है, ये चार्जिंग बैटरी को नहीं कर पाता है, तो इसमें हम एक अलग से चार्जर लगा करके, आप देख सकते हैं ये नोकिया का चार्जर है, इस चार्जर को अलग से इसमें लगा करके, इस स्विच को ऑन करके, इसमें खोज करके हम इसके बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं
इसमें खोसने पे ये जो इंडिकेटर है ये इंडिकेट करता है, और ये जो है ये भी वही चार्जिंग सिस्टम है, इसमें खोसने पर ये इंडिकेटर इंडिकेट करता है। इस प्रकार से इसको हम, अगर ये चार्जिंग सिस्टम ख़राब हो जाता है तो इसको हम चार्जिंग कर सकते हैं। और इसमें हमें खुलवाने की तुरंत ज़रूरत नहीं कि नहीं बोर्ड थोड़ा सा चार्जिंग सिस्टम ख़राब होगा तुरंत खुलवाएं, नहीं इसको हम इस चार्जिंग से चार्ज करेंगे, जब ये भी सिस्टम ख़राब हो जाता है तब इसको हमें बनवाने की ज़रूरत पड़ेगी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर IR रिसीवर है, इसी की सहायता से रिमोट कंट्रोलिंग काम करता है। अगला व्यवस्था मेरे में ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक BT किट लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं इतना बड़ा किट है BT किट। हाँ, इस किट की सहायता से हम इसमें सॉन्ग चला सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस स्विच को हमने ऑन कर दिया, यहाँ पे मेरा ब्लूटूथ ऑन हो गया, और इस स्विच को ऑन कर दिया तो मेरा स्पीकर है ये चीज़ ऑन हो गया। अब मैं आपको ब्लूटूथ कनेक्ट करके सॉन्ग चला के सुनाता हूँ। इसमें हमने ब्लूटूथ को ऑन करके कनेक्ट करना है, ये रहा ब्लूटूथ, आप देख सकते हैं SKE लिख रहा है, ब्लूटूथ कनेक्टेड सक्सेसफुली, ये सक्सेसफुली हो गया, ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया। अब इसमें हमें सॉन्ग हैं, हाँ मैंने ब्लूटूथ कनेक्ट कर लिया है और मैं यहाँ पे सॉन्ग चला के सुनाऊंगा। ठीक है, ये देखिए जैसे ये सॉन्ग है, इसको मैंने ऑन कर दिया, आप सुन सकते हैं। ये जो बज रहा है फ्रेंड, ये मेरे बोर्ड में ही बज रहा है। हाँ, यहाँ पे जो स्पीकर लगा हुआ है यहीं से आवाज़ निकल रही है। हाँ, और अगर देख सकते हैं आप कितनी मीठी आवाज़ है, और तो और फ्रेंड इसमें देखिए, अगर मुझे अलग से स्पीकर अगर इसमें लगाना है तो ये मेरे पास रहा स्पीकर, ये आप देख सकते हैं ये रहा, ये रहा ये पिन, इस पिन को यहाँ पे देख सकते हैं SP जैक लिखा हुआ है, SP जैक, इसमें हम खोस देते हैं। ठीक है, और इस स्विच को हम पूरी तरह से घुमा करके इसको ऑन कर देते हैं और इस स्विच को हम ऑफ कर देते हैं। आप ये देख सकते हैं ये वाला स्पीकर ऑफ हो चुका है और ये वाला स्पीकर ऑन हो चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं उसमें बजेगा आप सॉन्ग। और अगर इस स्पीकर में भी अगर हम सॉन्ग बजाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम ऑन करके इसमें भी बजा सकते हैं साथ में। ठीक है फ्रेंड, ये इस तरह से ये मेरा ब्लूटूथ सॉन्ग काम करता है। आप लोगों ने देखा कि मैंने ये स्मार्ट बोर्ड के बारे में मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी। हाँ, तो ये स्मार्ट बोर्ड मैंने देखिए, मैं पहले पढ़ाई करता था बाहर में, मैं दुधी गवर्नमेंट IIT दुधी से मैंने पढ़ाई की है। हाँ, तो वहाँ पे मैंने साल भर रहा और वहाँ पे मेरे को जो भी कमियाँ नज़र आई, मेरे को शाम को पढ़ना होता था तो लाइट कट जाती थी। हाँ, और मोबाइल चार्जिंग के लिए दिक्कत होता था वहाँ का, नहीं उसमें जो जो मेरे को उस समय कमियाँ नज़र आई, जो जो मेरे को दिक्कतें हुई, उस दिक्कत को मैंने इस बोर्ड में इंक्लूड किया कि मेरे जैसे और कोई भी अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो वो अगर ये अगर 1,000 का बोर्ड अगर अपने यहाँ खरीद लेता है रूम रूम के लिए तो वो इससे संपन्न हो जाएगा, मोबाइल भी चार्जिंग कर लेगा, सांग भी सुन लेगा, बोर्ड का भी यूज कर लेगा, और उसके उसके बाद कुछ भी लाइट भी जला लेगा शाम को। तो इस तरीके से इसको मैंने बनाया था। और मैंने ये मॉडल बना करके अपने स्कूल में दिखाया तो मेरे सर भी बहुत खुश हुए थे। हाँ, और अगर आप लोग भी बनाना चाहते हैं ऐसा मॉडल तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको इस बोर्ड पे जो भी अगर आपको मेरे बताए हुए किसी भी जवाब में अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मेरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।